समस्त पुणि थे स्वागत यही क्लास आम ओटीटी 2021 पेपर वन पेडागोजी तीस टी क्वेश्चन आंसर करवा। तो फास्ट देखा ये हूँ सीडीपी तीस टी क्वेश्चन 2021 प्रथम क्वेश्चन अच्छी केउटी दलगत शिक्षण एक समस्या नुहे। दलगत शिक्षण केउटी समस्या नुहे तेज़े तीन टा समस्या थी। फास्ट अच्छे निर्दिष्ट व्यक्ति विशेष द्वारा प्रभावित होगा ये गोटे समस्या तेणुक ये आंसर हेबो ना। केतेक शिक्षार्थी निजर प्राधान्य विस्तार करती ये गोटे समस्या हे तेणुक ये आंसर हेबो ना। कौन सी कार्य को उपयुक्त ढंग से समापना न करवा ये गोटे समस्या तेणुक ये आंसर हेबो ना। तेणु लास्ट रहा ऑप्शन डी हो राइट आंसर। अनेक शिक्षार्थी अधिक समय विनियोग सुजोग पाई अधिक समय पाइले ये हूँ समस्या हेबना ये गोटे भल कथा तेणुक ऑप्शन डी हो राइट आंसर। तापर देखिए क्वेश्चन नंबर टू देखा केउटी सामाजिक संगठनवाद मुख्य धारणा नुहे। तो सामाजिक संगठनवाद मुख्य धारणा कौटे नुहे देखा वास्तवता ये मध्य हम तार मुख्य धारणा भितर गोटे ज्ञान हम शिक्षण हम यनोटी जाक तेणुक एगुड़िकौसी नुहे ऑप्शन डी हो राइट आंसर। तापर देखा क्वेश्चन नंबर थ्री केउटी अंतर्निवेशी विद्यालय वैशिष्ट्य अंतर्निवेशी बा इनक्लूसिव इनक्लूसिव स्कूल तार वैशिष्ट्य केउटी। फास्ट अच्छे भिन्नक्षम पिलामानंक पाई अलग श्रेणी कोठरी व्यवस्था अलग हेले ये अंतर्निवेशी कदापि हेबो नाही। तो तापर देखिया शिक्षार्थी मानक सामर्थ्य भितर पृथक करा जाए पृथक कले ये अंतर्निवेशी हेबो नाही। तापर देखिया ऑप्शन सी शिक्षार्थी दुर्बलता को अधिक गुरुत्व दि जाए केवल दुर्बलता को गुरुत्व देले हेबो नाही। तो अंतर्निवेशी विद्यालय वैशिष्ट्य रे पूरा क्लीयरली मेनसन हो शिक्षण प्रक्रिय पितामाता सहभागीदारी होती पितामाता हला शिक्षक छात्र हला तो यहाँ भितर सहभागीदारी रहा दरकार। तो ऑप्शन डी हो राइट आंसर। तापर देखिया क्वेश्चन नंबर फोर अभिप्रेरणार तत्व सम्बन्ध में किए पुस्तक रचना करते जो थी से 24 तत्व प्रदान करते तेरे आंसर कौन हम आंसर है जो ऑप्शन ए के बी मैडसन हो राइट आंसर। तापर देखा क्वेश्चन नंबर फाइव शिक्षण प्रगतिशील पुनर्बलन युक्त व्यवहार ग्रहण प्रक्रिया उक्ति कहार यहाँ किए कही प्रगतिशील पुनर्बलन पुनर्बलन कथा किए कही स्किनर। तो स्किनर ऑप्शन ए राइट आंसर। तापर देखिया क्वेश्चन नंबर सिक्स समन्वित शिक्षा सम्बन्ध में जातीय शिक्षानीति 1986 कौन सुपारिश कर समन्वित शिक्षा जहाँकि तो ये इंटीग्रेटेड इंटीग्रेटेड एजुकेशन। तो कौन शिक्षा सुपारिश ऑप्शन ए अच्छी भिन्न भिन्न शिक्षण शैली और आवश्यकता विशिष्ट शिक्षार्थी मैंने एकत्र शिक्षा ग्रहण करेंगे। तो एकत्र भिन्न शिक्षण शैली एकत्र तो इनक्लूसिव एजुकेशन होपर अच्छे ऑप्शन बी नियमित श्रेणी शिक्षक शिक्षादान दायित्व ने तो नियमित श्रेणी शिक्षक ना ये तो इंटीग्रेटेड है समन्वित है तेणुक ऑप्शन बी हेना। तापर अच्छे ऑप्शन सी अल्प और मध्यम अक्षमता विशिष्ट पिलाने साधारण विद्यालय शिक्षा ग्रहण करेंगे तो ये समन्वित हो इंटीग्रेटेड हो ऑप्शन सी हो राइट आंसर। ऑप्शन डी देखिए ऑप्शन डी अच्छी भिन्नक्षम शिक्षार्थी मान स्वतंत्र विद्यालय स्वतंत्र हेले ये स्पेशल होगा स्पेशल एजुकेशन होगा तेणुक ये हम ना ऑप्शन सी हो राइट आंसर। तापर देखिया क्वेश्चन नंबर सेवेन केते वर्ष बयस शिशुठार उत्कंठा और लज्जा आदि आवेगर विकास होता है ये ऑप्शन नंबर बी 5 वर्ष। तापर देखिया गणित पढ़ाक चाहून शिक्षार्थी को बाध्य करी गणित शिखाइले शिक्षण फलप्रद हो न था यह थंडाई के शिक्षण नियम अंतर्भुक्त तक इच्छा ना गणित पढ़ाक शिक्षार्थी इच्छा ना तेनाली बाध्य कर बाध्य कर पढ़ा द्वारा कौ नियम जा तो ये अभ्यास नियम तो जमा हे ना ये ऑप्शन बी प्रस्तुति नियम ल अफ रेडने शिक्षार्थी से रेडी ना तेणुक ये ल अफ रेडने पिला जो रेडी थी प्रस्तुति थी से टाइम शिक्षा देवा दरकार परिणाम नियम होबना थंडाई को शिक्षण नियम अंतर्भुक्त नुहे ये ऑप्शन डी हेना। तो ऑप्शन सी हो सरी ऑप्शन बी हो प्रस्तुति नियम राइट आंसर। तो
ତାପରେ ଦେଖିବା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 9 ଆଦିବାସୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ପିଲାମାନଙ୍କ ମନର ଉଭୟ ଦୂର କରି ମୁକ୍ତ ଭାବ ପ୍ରକାଶର ସୁଯୋଗ ଦେବା ନିମନ୍ତେ ସୃଜନ ପକ୍ଷରୁ କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯାଇଥାଏ ତ ଏର ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେବ ଅପସନ୍ ସି କାହାଣୀ ଉତ୍ସବ ତାପରେ ଦେଖିବା ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ବହୁଭାଷୀ ଶିକ୍ଷା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ କେଉଁ ଭାଷାରେ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇ ନାହିଁ ତ କିଷାନ ଏଥିରେ କରାଯାଇଛି କୋୟା କରାଯାଇଛି ଓରାମ କରାଯାଇଛି ତ ଅପସନ୍ ସି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଭାତୁଡ଼ି ଏଥିରେ ପୁସ୍ତକ କରାଯାଇ ନାହିଁ ଏସବୁ ସିଟି ବହିରେ କ୍ଲିଅରଲି ଲେଖାଯାଇଛି ଭାତୁଡ଼ି ତାପରେ ଦେଖିବା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 11 ଥଣ୍ଡାଇଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତୁତି ନିୟମକୁ ଅନ୍ୟ ଅର୍ଥରେ ଜାଣନ୍ତି ଅନ୍ୟ ଆଉ ଆମେ କ'ଣ କହିପାରିବା ପ୍ରସ୍ତୁତି ନିୟମକୁ ତ ଏ ହେଇଯିବ ଅବ୍ୟବହାର ନିୟମ ଏ ହେବ ନାହିଁ ବ୍ୟବହାର ନିୟମ ମଧ୍ୟ ହେବ ନାହିଁ ଅଭ୍ୟାସ ନିୟମ ହେବ ନାହିଁ ହେଇଯିବ ଅଭିପ୍ରେରଣା ନିୟମ ଲ ଅଫ୍ ମୋଟିଭେସନ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତି ନିୟମ ଯେତେବେଳେ ରେଡ଼ି ଥିବ ମୋଟିଭେସନ୍ ହେଲେ ପିଲା ମୋଟିଭେଟ୍ ହେଲେ ହିଁ ସିଏ ପାଠ ପଢ଼ିବ ତେଣୁକରି ସେ ରେଡ଼ି ହେବ ରେଡ଼ିନେସ୍ ଲ ଅଫ୍ ରେଡ଼ିନେସ୍ ତା'ର ଅନ୍ୟ ନାମ ହେଲା ଅଭିପ୍ରେରଣା ନିୟମ ତାପରେ ଦେଖିବା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 12 ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଅନୁବନ୍ଧ ମତବାଦର ସ୍ରଷ୍ଟା କିଏ ଅପାରେଣ୍ଟ କଣ୍ଡିସନିଂ କିଏ ଦେଇଥିଲେ ତା ସ୍ରଷ୍ଟା ହେଉଛନ୍ତି ବିଏଫ୍ ସ୍କିନର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 13 ଦେଖିବା କେଉଁଟି ସମାପନମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ ପ୍ରସ୍ତୁତିର ନିୟମ ନୁହେଁ ସମାପନ ପ୍ରଶ୍ନ ତା'ର ନିୟମ ନୁହେଁ କହିଛି ଦେଖିବା ଅପସନ୍ ଏ ଦେଖିବା ବାକ୍ୟ ବା ଉକ୍ତିର ପ୍ରଥମ ଭାଗରେ ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନ ରଖିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ଇଏ ତ ଗୋଟେ ନିୟମ ହୋଇଗଲା ତେଣୁକରି ଆନ୍ସର ହେବ ନାହିଁ ତାପରେ ଦେଖିବା ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନ ଦିଆଯାଇପାରିବ ଇଏ ତ ହେବା କଥା ନୁହଁ ଇଏ ନିୟମରେ ନାହିଁ ତେଣୁକରି ଇଏ ନିୟମ ଯେହେତୁ ନୁହଁ ତେଣୁକରି ଏଇ ଆନ୍ସରଟି ଏଇଠି ଅପସନ୍ଟି ହୋଇଯିବ ଠିକ୍ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଅପସନ୍ ସି ହେବ ନାହିଁ ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିବା ବାକ୍ୟ ବ୍ୟବହୃତ ହେବ ନାହିଁ ଏ ତ ନିୟମରେ ଅଛି ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନରେ ପ୍ରଦତ୍ତ ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ଗୁଡ଼ିକର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ସର୍ବଦା ପ୍ରାୟ ସମାନ ହେବା ଉଚିତ ଇଏ ତ ନିୟମ ଅଛି ଏଇ ତିନୋଟି ନିୟମରେ ଅଛି ଏଠି ନିୟମରେ ନାହିଁ ତ ନାହିଁ ସେ ନାହିଁ ପଚାରିଛି ନାହିଁ ଯେଉଁଟା ପଚାରିଛି ସେଇଟା ଆନ୍ସର ହୋଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ତାପରେ ଦେଖିବା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 14 ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ବିଷୟରେ ଅଧିକ ଅଧ୍ୟୟନ ପାଇଁ ଆତ୍ମପ୍ରତ୍ୟୟର ଅଧ୍ୟୟନ ଉପରେ କିଏ ଗୁରୁତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ ତ ଆତ୍ମପ୍ରତ୍ୟୟ ଏଠାରେ କିଏ ଗୁରୁତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ ଏଠାରେ ଅପସନ୍ ବି ହୋଇଯିବ ରୋଜର୍ସ ହୋଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ତାପରେ ଦେଖିବା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 15 କେଉଁଟି ଶିଶୁର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଥିବା ଉପାଦାନ ନୁହେଁ ତ ଶିଶୁର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଥିବା ଉପାଦାନ ନୁହେଁ ପଚାରିଛି ତା'ମାନେ ତିନିଟା ପ୍ରଭାବିତ କରୁଥିବ ବଂଶଗୁଣ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି ପରିବେଷ୍ଟିନି ଯେଉଁଟାକି ଏନ୍ଭାରନମେଣ୍ଟ ଇଏ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥାଏ ହେଲ୍ଥ ଶିଶୁର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟତାକୁ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥାଏ ତେଣୁକରି ଏଇ ତିନୋଟି ପ୍ରଭାବିତ କରିଥାଏ ଅପସନ୍ ଡି ତାହେଲେ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହୋଇଯିବ ଯିଏକି ବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରଭାବିତ କରିନଥାଏ ନୁହେଁ ତାପରେ ଦେଖିବା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 16 କେଉଁଟି ସଂଗଠନବାଦର ଶୈକ୍ଷିକ ନିହିତାର୍ଥ ନୁହେଁ କେଉଁଟା ନୁହେଁ ଏଜୁକେସନାଲ୍ ଇମ୍ପ୍ଲିକେସନ୍ ଅଫ୍ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟିଭିଜିମ୍ ତ କେଉଁଟା ନୁହେଁ ଦେଖିବା ସ୍ୱ ବିଶ୍ଲେଷଣ ନିମନ୍ତେ ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ସେଲ୍ଫ ଆନାଲିସିସ୍ ଇଏ ତ କରିବା ଦରକାର ତେଣୁକରି ଇଏ ଠିକ୍ ହେବ ତାପରେ ପିଲାକୁ ପ୍ରଶ୍ନ ତିଆରି କରିବାକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ଇଏ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ହେବ ସଂଗଠନବାଦର ଶୈକ୍ଷିକ ନିର୍ଦ୍ଧାତ କେଉଁଟା ନୁହଁ ପଚାରିଛି ଆମେ ନୁହଁ ଦେଖିବା ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହେବା ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହେବା ଇଏ ସଂଗଠନବାଦର ଶୈକ୍ଷିକ ନିର୍ଦ୍ଧାତ ନୁହେଁ ତେଣୁକରି ଇଏ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଅପସନ୍ ସି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଅପସନ୍ ଏ ଭୁଲ ବି ଭୁଲ ଡି ମଧ୍ୟ ଭୁଲ ତାପରେ ଦେଖିବା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 17 ମହିଳା ଶିକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ 1958-1959 ଗଠିତ ଜାତୀୟ କମିଟିର ନାମ କ'ଣ 1958-1959 ଗଠିତ ଜାତୀୟ କମିଟି ହେଲା ଦୁର୍ଗାବାଇ ଦେଶମୁଖ କମିଟି ଇଏ ହେଲା ମହିଳା ଶିକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ ଏ ଜାତୀୟ କମିଟି ଗଠନ ହୋଇଥିଲା ତାପରେ ଦେଖିବା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 18 ବାଧକ ଶିଶୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଧିନିୟମ 1995ରେ କ'ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି 14 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାଗଣା ଶିକ୍ଷା ଇଏ ନୁହେଁ ଶ୍ରବଣ ବାଧିତ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଭାଷାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଇଏ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ନିୟମିତ ଉପସ୍ଥାନ ପାଇଁ ଆର୍ଥିକ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଇଏ ମଧ୍ୟ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହୋଇଯିବ ବି ଆଉ ସି ଭିତରୁ ଯାହା କଲେ ଆନ୍ସର ଠିକ୍ ହେବ
तापर देखिया क्वेश्चन नंबर 19 शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 केउं धारा अनुजाई कौनसी शिशु को शारीरिक दंड बा मानसिक निर्यातना दिया जाई परिबो नाही। तो यार राइट आंसर हो जीवो ऑप्शन बी धारा 17(1) 17A 17A के हो जीवो राइट आंसर। तापर देखिया क्वेश्चन नंबर 20 केउं व्यवस्था रे उभय साधारण शिक्षक ओ संबल शिक्षक भिन्नक्षम शिक्षार्थीर शिक्षार दायित्व नहींथांती। उभय साधारण शिक्षक आ संबल शिक्षक मिसिगले से हिजबो सम्मुनित शिक्षा अंतर्निवेश शिक्षा हेबो नै स्वतंत्र शिक्षा मध्ये हेबो नै साधारण शिक्षा हेबो नै सम्मुनित शिक्षा रे दुई जण साधारण शिक्षक ओ संबल शिक्षक मिसिकि भिन्नक्षम शिक्षार्थीर दायित्व नेबे। तापर देखिया क्वेश्चन नंबर 21 मस्तिष्क पक्षाघात पिलांक निमन्ते केउ पद्धति रे शिक्षादान रो आवश्यकता अछि। तो मौखिक पद्धति हेबो नाही क्रीडा पद्धति ए हेबो राइट आंसर। प्रकल्प पद्धति से मध्ये हेबो नाही अभिनव पद्धति हेबो नाही तो क्रीडा पद्धति बेस्ट मेथड तो सेम मेथड हेबो राइट आंसर। तापर देखिबा शिक्षण प्रक्रिया फलप्रद परिचालना निमन्ते अभिप्रेरणा ही केंद्रीय उपादान। समस्त प्रकार शिक्षण रे केतक प्रकार अभिप्रेरणा निश्चित भावरे विद्यमान थिबा उचित एहि युक्ति रे किए कहितिले। तो यार राइट आंसर हिजबो ऑप्शन नंबर बी केली। तापर देखिया क्वेश्चन नंबर 23 युनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द राइट ऑफ चाइल्ड UNCRC अनुजाई बाध्यतामूलक प्रारंभिक शिक्षा शिशुर केउ अधिकार अंतर्भुक्त। तो बाध्यतामूलक प्रारंभिक शिक्षा ये होची बचिवार अधिकार हेबो नाही तो विकासर अधिकार हो राइट आंसर। तो शिक्षा ग्रहण कले ही तार विकास हो तेणुकर विकासर अधिकार ये हो राइट आंसर। तापर देखिए क्वेश्चन नंबर 24 विकास संबंध में निम्नोक्त केउ उक्ति ठीक नुहे नुहे पचार आम देखिया तेल तीन टा ठीक हो गोटे भूल हो जोटा भूल होटा ही आंसर हे विकास जीवन आद्य बयसर मात्रा अत्यंत क्षिप्र ये ठीक हो विकाश शरीर विभिन्न भाग रे विभिन्न रूप रे देखा जाय थे विभिन्न शरीर विभिन्न भाग रे विभिन्न रूप रे देखा जाय थे ये ठीक है। विकाश केवल वंशानुगुण द्वारा निरूपित होता है केवल वंशानुगुण द्वारा निरूपित हो न थाए वंशानुगुण प्लस ता परिवेष्टिनी बा परिवेश परिवेष्टिनी द्वारा एठरे निरूपित होता है वंशानुगुण प्लस परिवेष्टिनी तेणुकर ऑप्शन सी हो राइट आंसर। से नुहे पचार नुहे हेले ऑप्शन सी। तापर देखा क्वेश्चन नंबर 25 निम्नोक्त मध्य केउटी मांडेले द्वारा निरूपित होता वंशानुगुण नियम नुहे से नुहे पचार उत्पादक नियम ये उत्पादक नियम तेरे नुहे पचार जोटा नुहे हम से ही आंसर हे भिन्नता नियम ये मत नुहे प्रत्यागमन नियम ये तीनो अच्छे असामान्यता नियम ये हो राइट आंसर ऑप्शन डी ल ऑफ अनयूजुअलनेस। तापर देखिया क्वेश्चन नंबर 26 जड़े उत्तम शिक्षक जड़े उत्तम शिक्षक तापर दे ज्ञान प्रदान करिथांति ओ परीक्षा निमन्ते शिक्षार्थी मानक प्रस्तुत करिथांति केवल परीक्षा निमन्ते प्रस्तुत करिथांति एटा भूल हेजिबो। तापर अछि ऑप्शन बी परीक्षा रे सठिक उत्तर लेखिबा निमन्ते शिक्षार्थी मानक प्रस्तुत करिथांति ये केवल परीक्षा पई प्रस्तुत करिथांति शिक्षार्थी मानक मध्ये स्वाधीन भाव रे चिंता करियाकु सुजोग देबा संगे संगे प्रमाण सिद्ध शिक्षण परिवेश जोगाई देबा तो ये हेजिबो राइट आंसर ऑप्शन सी। तापर ऑप्शन डी रे देखिया देखिया समय सारणी पाठ्यक्रम खसड़ा को अनुसरण करे केवल पाठ्यक्रम खसड़ा को अनुसरण करवा शिक्षक जन उत्तम शिक्षक हो पार ना। तापर देखिया क्वेश्चन नंबर 27 जातीय पाठ्यक्रम आधार 2005 मार्गदर्शी नीति उपरे केउटी संपर्कित तो केउटी संपर्कित देखिबा पिला माने निज ढंग रे आहरण करंती
ये हेब ना घोषा द्वारा शिक्षण दीर्घस्थायी होता है, ये घोषा को टोटाल मना कर तो ऑप्शन सी देखा शिक्षक को प्रश्न करा द्वारा पिला अधिक शिखि पारे ना ये पूरापूरी भूल प्रश्न पचार कथा कह तो प्रश्न पचार अधिक गुरुत्व देवा कथा कह तापर ऑप्शन डी देखिया समस्या समाधान मूलक प्रक्रिया ज्ञान आहरण रे सहायक हुए तो यहाँ ऑप्शन डी हो राइट आंसर। तापर देखिया क्वेश्चन नंबर 28 शिक्षण व्यतीत शिक्षक माने सेमानकर शिक्षार्थी मानकु दलगत कार्य सामिल करिया परामर्श दे थांती से माने सहाय्य करथांती से माने कोथिरे सहाय्य करथांती दलगत कार्य हेले तांकर कोन हबो द्वंद हेबो नाही दलगत सहाय्य रे द्वंद किपरि हबो ईर्षा मध्ये हेबो नाही दलगत कार्य रे विरोधी कार्य हेबो नाही सामाजिकरण दलगत कार्य कले सामाजिकरण हेबो ये जीव राइट आंसर। तापर देखे क्वेश्चन नंबर 29 नूतन इंग्राजी पाठ्यपुस्तक पढ़ापे पिलामानकर दक्षता अच्छी जानिबा केउ प्रकार मूल्यांकन अटे केउ प्रकार मूल्यांकन गोटे विषय रे तार पिलार केते दक्षता अच्छी से दक्षता को जानिबा पई कोउ व्यवस्था करा जाय थाय कोउ टेस्ट करा जाय थाय समाप्ति सूचक हेबो नाही एला टर्म एंड एग्जामिनेशन जोटा कि वार्षिक परीक्षा निदानात्मक निदानात्मक से प्रोब्लेमटा जानव डायग्नोस्टिक जोटा प्रोब्लेम कौटे रोचे से निदानात्मक टेस्ट करा जाए गठनमूलक हेब ना गठनमूलक जदि निदानात्मक पर तार समाधान कराऊँ गठनमूलक है व्यवस्थान ये हो राइट आंसर ऑप्शन ए व्यवस्थान मूल्यायन जहाँकि प्लेसमेंट इवैल्यूएशन जोटा कि आम एंट्रान्स जहाँ दूचे विभिन्न प्रकार एंट्रान्स व्यवस्थान मूल्यायन आसीज प्लेसमेंट इवैल्यूएशन। तापर लास्ट क्वेश्चन देखा क्वेश्चन नंबर 30 केउटी शिक्षण कार्यर गुणावली अंतर्भुक्त नुहे शिक्षण कार्यर तीन टी गुणावली थिला आनंददायी होइथिबो आह्वानमूलक होइथिबो चैलेंजिंग होइथिबो जयफुल कला आउटेला स्वतःस्फूर्त अंशग्रहण तो आउ गोटे सेट्रे एकाधिक कौशल सुजोग सुटिए पॉजिटिव आंसर किंतु शिक्षकों द्वारा प्रदर्शन ये भूल हो तार अंतर्भुक्त नुहे तेणु नुहे पचार ये हो राइट आंसर। तो यही वीडियो रे हमें 30 ओटीटी रो सीडीपी रो क्वेश्चन करले तो आशा कर भल लगी वीडियोटी भल लगी लाइक करेंगे शेयर करेंगे यदि आउ किसी डाउट अच्छी कमेंट करेंगे सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो गॉड ब्लेस यू ऑल।